नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, ये जो वीडियो है, जिन्होंने सीटेट का दूसरा पेपर 6 to 8 के लिए 31 जनवरी 2021 रविवार को दिया है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्वाभाविक है, आप विद्यालय में जाएंगे तो बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार उनको पढ़ाएंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, सब कुछ जरूरी है। तो ये वीडियो सभी के लिए जरूरी है जिन्होंने कल पेपर दिया है, और यदि उनका पी सेट है तो वो मिलान कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, आप देख सकते हैं पेपर 2 का आंसर की लेकर के मैं अभी आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले यदि आप संस्कृत भाषा के रूप में रखा था तो उसका मैंने चारों वीडियो, फर्स्ट पेपर का दोनों लैंग्वेज और सेकंड पेपर का भी दोनों लैंग्वेज मैंने अपने ऑल टीटी तैयारी चैनल पर आप सभी को दे दिया है। साथ में सोशल साइंस का वीडियो भी मैंने दिया है, उसका पूरा आंसर की सोशल साइंस का जो सेकंड पेपर का होता है, साथ में ईबीएस का भी दिया हूँ जो फर्स्ट पेपर का है 30 नंबर का, और फर्स्ट पेपर का मैं CDP बाल विकास शिक्षा शास्त्र भी दिया हूँ, उसे जाकर के आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, प्रश्न और उत्तर ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आप जल्दी से जल्दी मिलान कीजिए, 100% सही आंसर है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने में ये रहा, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीसरा। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बच्चा असफल हो गया तो सारा व्यवस्था ही असफल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, इस तरह का प्रश्न जो है वो पूछा ही जाता है, अच्छा लेवल था पेपर का यदि देखा जाए तो। दूसरा प्रश्न का जो आंसर होगा वो दूसरा ही होगा, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने में, एक खाली स्थान कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीसरा, प्रगतिशील। क्या होगा? एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका या अध्यापक अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करता है या करती हैं। चलिए चौथा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूसरा, जीन प्याजे जी ने ऐसा कहा है। आगे हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है, तो पांचवा का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएँ होती हैं, स्वाभाविक है। छठा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो छठा प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त होता है या मूर्त है। तो ये हो गया इसका आंसर छठा का। सातवां का देखिए, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय, सातवां का पहला ही होगा, क्या होगा? द्वितीयक कारक है। कौन सा कारक है? तो द्वितीयक कारक है। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न आप सभी के सामने में, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो आठवां का करेक्ट आंसर होगा आपका तीसरा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। नौवां प्रश्न आप सभी के सामने में, बाल्यावस्था की अवधि में विकास
तो इसका जो करेक्ट आंसर है नौवा का वो है तीसरा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था में जो विकास होता है बहुत स्तर से होता है और मिश्रित होता है। आगे दसवां, निकटस्थ जो कहते हैं नज़दीक, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो दसवां का करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। ग्यारहवां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो ग्यारहवां का करेक्ट आंसर होगा दूसरा, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में क्या हो जाता है? समर्थ हो जाता है। आगे बारहवां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो शारीरिक गति संवेदना संवेदनता, क्या है? संवेदनता, ये वाला जो है खिलाड़ी, ये इसका क्या होगा? तो सही होगा, पहला ही इसका क्या होगा? सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेव वैगोत्स्की के अनुसार 13वां नंबर प्रश्न है ये, स्कीमा परिपक्व से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, ये पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो लेव वैगोत्स्की के अनुसार ये इसका यही आंसर सही होगा, दूसरा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे 14वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, जो 14 का करेक्ट आंसर होगा पहला, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। 15वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो 15वां का आंसर होगा आपका दूसरा, लेव वैगोत्स्की। 16वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो 16वां का करेक्ट आंसर होगा पहला, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ऐसा नहीं किया जाता है, पता ही है रूढ़िबद्ध धारणा जो है वो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। आगे 17वां प्रश्न, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को खाली स्थान समझ चाहिए, तो स्वाभाविक है 17 का दूसरा नंबर होगा, दूसरा नंबर का होगा, एक गुण और साधन होना चाहिए, ऐसा अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को एक गुण और साधन समझना चाहिए, तो 17 का जो होगा करेक्ट आंसर वो दूसरा होगा। 18वां हो गया, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, अब सब कुछ किसके ऊपर में छोड़ना है, तो छात्र के ऊपर में छोड़ना है, तो इसका पहला ही होगा, अध्यापक लचीला है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। 19वां प्रश्न आप सभी के सामने में, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, जो पढ़ने में अक्षम है उसको कैसे आप पहचान करेंगे? 19वां का चौथा होगा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। 20वां प्रश्न आप सभी के सामने में, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, नहीं है यहाँ पर पूछा है, नहीं वाला प्रश्न पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है और प्रत्येक पेपर में पूछा जाता है, तो 20वां का जो करेक्ट आंसर है वो पहला ही है, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, छोटी तो देना ही नहीं चाहिए हमें। 21वां है आपका कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला ही होगा, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। आगे 22वां नंबर, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है, तो 22वां का करेक्ट आंसर आपका दूसरा होगा, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता
दूर करने के लिए क्रियाकलाप दे करके, स्वाभाविक है जिसमें उनका मन लगे। 23वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। फिर से यहाँ पर पूछ दिया नहीं है, तो 23वां का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना। ऐसा आप कहेंगे, आप 1,00,000 रुपया ले रहे हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो क्या आप बोलेंगे कि आप ट्यूशन पढ़ के आओ, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। 24वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, खाली स्थान को पूर्ति करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तीसरा होगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 24वां का आंसर तीसरा होगा। 25वां आप सभी के सामने में, 25 नंबर प्रश्न, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो दूसरा होगा इसका, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, जिससे कि आपस में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो इसमें साथियों वैसे यहाँ पर देखिए, ये तो होना ही चाहिए, तो इसमें कह रहा है कि 1 और 3 ऐसा अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा जल्दी में हमने भी गलत कर दिया, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो है वो पहला और तीसरा होना चाहिए, क्योंकि इसको सबको पढ़ना पड़ेगा। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल, विद्यार्थी में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल यही सही होगा। विद्यार्थी उनके प्रदर्शन के आधार पर बांट देगा तो आपस में कैसे सीखेगा फिर, इसलिए ये गलत हो जाएगा साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दूसरा होगा, पहला और तीसरा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है, तो 26वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो दूसरा होगा, फार उपलब्ध कराना, और विशेष करके जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो दूसरा होगा, किसका, 26 का। 27 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है वाला 4-5 क्वेश्चन पूछ दिया है, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो 27 का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। आगे चलिए, 28वां प्रश्न आप सभी के सामने में, अधिगम 1, खाली स्थान और प्रक्रिया, अधिगम क्या है, सरल है तो इसलिए इसको लगा दिया हमने, और व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए, और अधिगम जटिल है, ऐसा सक्रिय नहीं, इसका आंसर वैसे ये ही होना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। तो आगे देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को चाहिए। 29वां का करेक्ट आंसर आपका चौथा होगा, समझना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, 30वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए, और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो 30वां का होगा दूसरा आपका, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए, वजह प्रतिस्पर्धिक। तो चलिए साथियों, ये 30 क्वेश्चन का जो आंसर की था मैंने आप सभी को दे दिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे इस पर जो नई न्यूज होगी, बहाली से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित या TET तैयारी से संबंधित, वो दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सा धन्यवाद साथियों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।